हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को, आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज हमारा करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ चल रहा है उसका डे 8 है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने वापस से जो हमारा चलता था टॉप 20 टॉपिक्स, ठीक है, बिहार के करंट अफेयर्स और कुछ जो हम अदर आउटपुट डालते थे, इसमें इनपुट डालते थे, उसको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिपोर्ट से, जो कि दो बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, उसको देखते हैं। तो देखिए, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन इससे क्या याद रखना है फैक्ट्स को हमें, कि इसको जारी कौन करता है। तो इसको जारी करता है FSSAI, ठीक है, फसाई के द्वारा जो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया जाता है। और इसमें जो प्रथम स्थान पे है वो कौन है, तो केरल है बड़े राज्यों में, ठीक है। छोटे राज्यों में कौन है, तो गोवा प्रथम स्थान पे है। और यूटी में देखा जाए केंद्र शासित प्रदेशों में, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है। सेकंड रैंक पे कौन है, तो पंजाब है। छोटे राज्यों में मणिपुर है और यूटी में दिल्ली है। आपको जनरली प्रथम ही याद रखना है। तृतीय में कौन है, तो तमिलनाडु, सिक्किम और चंडीगढ़। तो इस तरीके से खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में जो पहला स्थान प्राप्त किया है हमें केरला ने प्राप्त किया है, छोटे राज्यों में गोवा ने किया है और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू एंड कश्मीर ने किया है। इस बार जो करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो आप लोग खुद गौर कर रहे होंगे केरल राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर कितने ज़्यादा अचीवमेंट को हासिल कर रहा है और बहुत सारी चीज़ों में वो प्रथम रैंकिंग पे आ रहा है। नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट ये क्या है, तो ये ना जारी करता कौन है, तो नीति आयोग ही इसको जारी करती है, ठीक है। यहाँ पे इसको आप लोग थोड़ा सा एरो देख के लिख लीजिएगा। जो स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट है ना, वो जारी कौन करता है, तो नीति आयोग करता है, ठीक है। नीति आयोग कैसी है, ये एक थिंक टैंक संस्था है और इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो हुई थी पंचवर्षीय योजना के स्थान पर, वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को। अगर हम नीति आयोग के उसने जो रिपोर्ट निकाला है, स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट, अगर हम उसको देखें, तो प्रथम स्थान पे कौन है, तो केरला जो है स्वास्थ्य सूचकांक में भी प्रथम स्थान पे है, उसके बाद तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना है। और हमारे बिहार ने तो हद ही कर दी, बिहार हमारे कौन से स्थान पे है, तो अंतिम स्थान पे, मतलब 19 राज्यों का उन्होंने निकाला था और हमारे बिहार जो है वो सबसे लास्ट पायदान पे है। जबकि कल ही हमने पढ़ा था कि मुफ्त में दवाई बांटने में बिहार की रैंकिंग दूसरी है, बट स्वास्थ्य सूचकांक में उसकी रैंकिंग क्या है, तो सबसे लास्ट है, मतलब 19वां रैंक है। और यूपी का कितना है, तो वो पड़ोस का है हमारा, तो पड़ोस वाला ही रैंक है उसका, कितना, तो 18वां रैंक है। छोटे राज्यों की हम बात कर ले, तो छोटे राज्यों में त्रिपुरा जो है उसको प्रथम स्थान मिला है। और अंतिम स्थान किसे मिला है छोटे राज्यों में स्वास्थ्य वाले में, तो वो मणिपुर को मिला है। यूटी में प्रथम स्थान किसे मिला है, तो लक्षद्वीप को, और अंतिम स्थान पर दिल्ली है। ये बहुत ही ज़्यादा निराश वाली बात है कि दिल्ली स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे लास्ट स्थान पर है यूटी में। अब हम देखते हैं हमारे जो टॉप 20 करेंट अफेयर्स है उसको देखते हैं। तो प्रोजेक्ट स्मार्ट, अब ये क्या है प्रोजेक्ट स्मार्ट, तो आवास और जो शहरी मंत्रालय हैं और रेल मंत्रालय, दो मंत्रालयों ने मिलकर रेल मंत्रालय मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के आसपास क्षेत्रों को विकास करने के लिए, ठीक है, मतलब जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशन है ना, उसके आसपास के क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट जो है वो आवास एवं शहरी मंत्रालय और रेल मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसके लिए जो है भारत ने किससे समझौता किया है, तो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से जो है उन्होंने समझौता किया है। नेक्स्ट है गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे, ये क्यों चर्चा में था, ये इसलिए चर्चा में था ना कि जो NHAI है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग करके 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क के निर्माण करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 100 घंटे में वो लोग कितने किलोमीटर सड़क बना रहे हैं, तो 100 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं। कौन सा एक्सप्रेसवे है, तो गाजियाबाद अलीगढ़। नेक्स्ट है पॉड टैक्सी, ये देखिए अपने आप में एक नया इनिशिएट है। ये क्या है ना कि यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी को मंजूरी दी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए तो कि भारत की पहली पॉड टैक्सी की मंजूरी किसके द्वारा दिया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, यमुना प्राधिकरण के द्वारा। अब ये पॉड टैक्सी है क्या, तो ये जो टैक्सी है ना वो सड़क से अलग ट्रैक पर चलेगी और बिजली द्वारा संचालित होगी, ठीक है।
क्या होगा, ये सड़क जो होता है ना उससे अलग ट्रैक पे चलेगा पॉड टैक्सी, और ये किससे संचालित होगा, तो ये संचालित होगा आपकी बिजली से। उसके बाद है रेल वॉर रूम, ये क्या है, तो रेल वॉर रूम जो है ना वो रेल मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है। ये क्या है एक्चुअल में, तो जनता की जो शिकायत होती है ना उसका क्विक मतलब कि स्पीडी निपटारण के लिए, त्वरित निवारण के लिए जो है रेल मंत्रालय के द्वारा क्या लागू किया गया है, तो रेल वॉर रूम को लागू किया गया है। उसके बाद है बहुभाषी AI चैट बॉट जुगलबंदी लॉन्च, ठीक है। बहुभाषी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। क्या है क्वेश्चन कि बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी जो है वो किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और उन्होंने किसके लिए किया है इस जुगलबंदी को लॉन्च चैटबॉट का, तो ग्रामीणों के लिए किया है। क्यों किया है, उद्देश्य क्या है उनका, तो उद्देश्य है कि विभिन्न भाषाओं में लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराना। ये अपने आप में बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि कई बार ना ड्यू टू लैंग्वेज लोग समझ नहीं पाते कि योजना है क्या। अगर उनके ही लैंग्वेज में उनको समझाया जाए, उनके ही जो स्थानीय लैंग्वेज है उसमें ही समझाया जाए योजनाओं को, तो वो अच्छे से समझ पाएंगे और रियल में वो योजना जो है वो धरातल पे उतर पाएगा। क्योंकि आप देखो हिस्ट्री सब लोग पढ़ते हो ना, तो एंशियंट हिस्ट्री में जब आप महात्मा बुद्ध को, ठीक है, महावीर जी को देखते हो, तो आप देखना कि वो लोगों ने जो उपदेश दिए ना, तो उसी जो उस टाइम की जनसाधारण की लैंग्वेज थी ना उसी में दिया उन्होंने, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि हम जो बोल रहे हैं ना हमारा जो संदेश है वो इन लोगों तक पहुँचे, ठीक है। इसी तरीके से जो भक्ति आंदोलन पढ़ते हो उसमें भी जो भी संत थे, उस संत में सारे संतों में एक सिमिलैरिटी ये थी कि सारे संतों ने जो उपदेश दिए थे वो जनसाधारण के लैंग्वेज में दिया था। तो ये काफ़ी अच्छा एक इनिशिएट है, जिससे क्या होगा कि जो योजनाएं हैं वो रियल मायने में धरातल पर उतर पाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये कहाँ पे बनने जा रहा है, तो ये बनने जा रहा है आपका असम के जोगी घोपा में, ठीक है। और ये भारत माता परियोजना के तहत जो है इसका निर्माण किया जा रहा है, किसका, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का कहाँ पे बनेगा, तो ये असम में बनेगा। उद्देश्य क्या है, तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या किया है, ठीक है, तो इन्होंने असम के जोगी घोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया है। अब देखिए एक कितना अच्छा ये न्यूज़ है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ये क्या है ना कि जो भी बुजुर्ग है उनको हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला भारत का पहला देश कौन बन गया है, तो मध्य प्रदेश बन गया। बहुत ही अच्छा इनिशिएट है ये कि जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको हवाई मार्ग के जरिए वो कहाँ जा सकते हैं, तो तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं, और ऐसा करने वाला भारत का पहला देश राज्य कौन बना है, तो वो मध्य प्रदेश बना है। नेक्स्ट है लैवेंडर महोत्सव, ये जो लैवेंडर महोत्सव है ना ये कहाँ पे आयोजित होता है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में होता है, ठीक है। कहाँ का महोत्सव है लैवेंडर महोत्सव, तो जम्मू एंड कश्मीर का महोत्सव है, और इसका आयोजन 1 week 1 lab कैंपेन के तहत किया गया था। जो इस बार का लैवेंडर महोत्सव आयोजित किया गया था वो किसके तहत आयोजित किया गया था, तो क्या होगा आंसर, 1 week 1 lab कैंपेन के तहत इसका आयोजन किया गया था। अब देखिए भारत का पहला जनजातीय खेल महोत्सव जो है वो अभी संपन्न हुआ है, तो कहाँ पे संपन्न हुआ है, चूंकि ये पहला है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ है ये, तो भुवनेश्वर में हुआ है। जो ओडिशा सरकार है उन्होंने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से सहयोग लेके भुवनेश्वर में भारत के पहले जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया। इसमें न 26 राज्यों के 5000 एथलीटों ने भाग लिया था, किसमें, तो जनजातीय खेल महोत्सव में। नेक्स्ट है कि पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर, ये विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनने जा रहा है, ये वर्ल्ड लेवल का है, ठीक है। तो ये कहाँ बनने जा रहा है, तो तेलंगाना में बनने जा रहा है, किसके द्वारा, तो आसूजा इंफ्राटेक कंपनी जो है उसके द्वारा तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनेगा। उसके बाद देखेंगे हम कि देश की पहली CNG संचालित टॉय ट्रेन कहाँ पे बनने जा रही है, ठीक है। तो जो देश की सबसे पहली CNG संचालित टॉय ट्रेन बनेगी वो कहाँ बनेगी, तो राजस्थान के उदयपुर में बनेगी। और इस ट्रेन का नाम क्या रखा गया है, तो महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन, क्या रखा गया है, तो महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन जो है इसका नाम रखा जाएगा।
देन है लिबरेशन वॉल वॉल गैलरी, ठीक है। ये जो लिबरेशन वॉल गैलरी है इसको कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये ढाका में स्थापित किया गया। अब आप सोचोगे कि मैम ये है क्या वैसे लिबरेशन वॉल गैलरी, तो ये क्या है ना कि इसमें जो 1971 के जो संग्राम हुआ था, जो वॉर हुआ था ना इंडिया पाकिस्तान का, तो उस संग्राम में जो भी शहीद हुए थे स्वतंत्रता सेनानी उनको प्रदर्शित किया जाएगा। किसमें? तो लिबरेशन वॉल गैलरी में, जो कि कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो कैपिटल ऑफ बांग्लादेश ढाका में किया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व संरक्षण कांग्रेस, ये क्या है? तो IUCN ने वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमीरात को दुनिया के सबसे बड़े विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी सौंपी है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि IUCN ने वर्ष 2025 में किस देश को दुनिया का सबसे बड़ा विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी सौंपी है? तो आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमीरात। देन है अंटार्कटिक घोषणा, जैसे कल हमने पढ़ा था ना वॉशिंगटन घोषणा, जो किसके किसके बीच हुआ था, तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ था परमाणु डील से लेके, तो वैसे ही अंटार्कटिक घोषणा है, ये किसके किसके बीच हुआ, तो अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ। ये उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इनका ये है ना इस घोषणा के पीछे कि जो आर्थिक अस्थिरता है तथा चीन की प्रतिस्पर्धा से निपटना, जो भी इकोनॉमिकल डिसबैलेंस है ना उसको, जो भी चीन से प्रतिस्पर्धा है उससे निपटने के लिए USA ने और UK ने क्या किया है, तो अंटार्कटिक घोषणा की है। समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किसने किया है? तो अभी हाल में ही श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो समलैंगिकता है वो अपराध की श्रेणी से क्या है, तो बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि प्रेट पहल, ये क्या है? तो प्रेट पहल जो है ना वो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। प्रेट पहल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका पूरा नाम क्या है, तो प्रिपेडनेस एंड रेजिलेंस टू इमर्जिंग थ्रेट्स, ठीक है। इसका उद्देश्य है ना कि भविष्य में अगर COVID-19 जैसी महामारी आए तो उससे निपटने के लिए रणनीति बनाना, ठीक है। मतलब खुद को पहले से इन्होंने प्रिपेयर करने का सोचा है, जैसे कोविड आ गया था तो कितना ज़्यादा तबाही मच गई थी, क्योंकि ऐसा कोई प्रिपेयर पहले से नहीं था। तो इससे सीख लेते हुए जो है WHO ने प्रेट पहल को लॉन्च किया है कि अब जो है अगर भविष्य में COVID-19 जैसी कोई महामारी आ जाए तो उससे निपटने के लिए हम पहले से ही क्या करेंगे, तो प्लानिंग बना लेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन बन गया है, कौन घोषित हुआ है, तो ये सीरिया हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि सीरिया जो है ना वो अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नशीली चीज़ों का अधिकतम निर्यात करता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, तो दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट घोषित किया गया है। किसको? तो सीरिया को। उसके बाद है कि वर्ल्ड वेल्थीज सिटीज रिपोर्ट 2023, क्या है? वर्ल्ड वेल्थीज सिटीज रिपोर्ट 2023 ये जारी कौन करता है, तो लंदन का जो हेनले एंड पार्टनर्स है उसके द्वारा इस रिपोर्ट को लॉन्च किया जाता है। और आप ये जानोगे कि दुनिया का सबसे अमीर देश कौन है, तो दुनिया का सबसे अमीर देश है न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। अगर सेकंड नंबर पे देखिएगा सबसे अमीर कौन है, तो वो है टोक्यो। और हमारे भारत का भी इसमें एक शहर है मुंबई, जो कि किस नंबर पे है, तो 21वें स्थान पे आता है। मतलब अमीरों के मामले में ना हमारा जो मुंबई है वो कितने नंबर पे है विश्व में, तो 21वें नंबर पे है। और पहले नंबर पे कौन है, तो न्यूयॉर्क सिटी है। और दूसरे नंबर पे कौन है, तो टोक्यो है। नेक्स्ट देखिएगा गोल्डन लाइसेंस, ये क्या है? तो इसको अभी ही ना बहरीन देश के द्वारा इसको लागू किया गया। क्यों लागू किया है उन्होंने? उन्होंने ना गोल्डन लाइसेंस को इसलिए लागू किया है ना कि देश में रोजगार सृजन किया जा सके और निवेश को आकर्षित किया जा सके, ठीक है। तो क्या पर्पस है इनका गोल्डन लाइसेंस को जारी करने का? तो दो पर्पस से इन्होंने इसको जारी किया है। एक तो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो, और दूसरा क्या हो, तो हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकें। उसके बाद है इवॉल्व मिशन, ये कौन सी मिशन है? तो इसको शुरू किया है सिडबी ने। क्यों शुरू किया है? तो जो इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में शामिल MSME हैं उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, सिडबी के द्वारा जो इवॉल्व लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? तो इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में शामिल MSME के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
तो ये हमारा टॉप 20 करंट अफेयर्स था। अब हम आते हैं बिहार के करंट अफेयर्स पे। तो आज मैं बिहार के करंट अफेयर्स में आप लोगों के लिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का कुछ पार्ट लेके आई हूँ। एक बार नहीं पढ़ेंगे इसको, एक बार इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत फैक्चुअल डाटा रहता है इसमें, तो दिमाग में नहीं आने वाला, तो इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके क्या करेंगे, 4-5 दिनों में कम्प्लीट कर लेंगे। तो देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 किसके द्वारा पेश किया गया, जो माननीय वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उनके द्वारा 27 फरवरी 2023 को जो है आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का पेश किया गया। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय के बारे में देखेंगे। तो वर्तमान मूल्य पे जो देखोगे आप, 2021-22 के मूल्य पे देखोगे कि कितना है बिहार का प्रति व्यक्ति आय, तो ये है आपका 54,383 रुपया। 54,383 रुपीज जो है ये प्रति व्यक्ति आय है बिहार की वर्तमान मूल्य पे। लेकिन आप स्थिर मूल्य पे देखोगे, जो कि हमारा कांस्टेंट वाला है, 2011 और 12 के आधार पे देखोगे बिहार की प्रति व्यक्ति आय, तो ये कितना है, 34,465, 34465। ठीक है, इसको जैसे याद रखना है वैसे याद रखिए, लेकिन याद इसको रखना है। बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले कौन है, तो हमारा पटना सबसे पहले नंबर पे है, कितना, तो 1.15 लाख रुपीस, ठीक है, यहाँ की प्रति व्यक्ति आए हैं। उसके बाद है बेगूसराय, फिर मुंगेर। तो कौन हुआ सबसे अमीर जिला कौन है पटना का, मतलब अमीर मतलब सबसे संपन्न जिला कौन है, तो पटना, देन आपका बेगूसराय, देन मुंगेर। और सबसे गरीब जिले में कौन शामिल है, तो शिवहर है, जिसका 0.19 लाख रुपीज़ पर कैपिटा इनकम है, देन अररिया, फिर सीतामढ़ी। ठीक है, तो सबसे संपन्न कौन हो गए, तो पटना, बेगूसराय, मुंगेर। सबसे गरीब कौन हो गए, तो शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। 2021-22 में अगर सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा हम देखें, जो जीडीपी है, अगर उसमें हम इन अदर सेक्टर्स का, जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर होते हैं, इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं ना सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो तीनों सेक्टर का कितना कितना परसेंट योगदान है उसको देख लेते हैं। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा, जो कि क्या होता है, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, तो ये सब क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र का कितना योगदान है, तो इस क्षेत्र का 21.2% योगदान है इस बार जीडीपी में, ठीक है, ये वृद्धि दर कितनी है इसकी, 9.6%। सेकेंडरी क्षेत्र क्या है, जो में मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, विनिर्माण का कार्य होता है, जैसे कि आलू, मान लीजिए आलू को उपजाया गया, वो प्राइमरी सेक्टर हो गया, ठीक है, अब आलू से चिप्स बना रहे हैं तो वो कौन से सेक्टर में आ जाएगा, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो उसका कितना रोल है हमारे बिहार की इकोनॉमी में, तो 18.1% है। देन आपका टर्शरी क्षेत्र है, जो कि सर्विस देता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं लाइक हॉस्पिटल, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो तृतीय क्षेत्र जो है उसका कितना परसेंट योगदान था इस बार, तो 60.7%। क्योंकि आप देखो किसी देश की इकोनॉमी का आप कैसे पता करते हो कि ये देश जो है वो डेवलपिंग है या फिर डेवलप्ड है, आप प्राथमिक, द्वितीय, टर्शरी से ही पता कर पाते हो कि अच्छा इस देश में जो है अर्थव्यवस्था जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का ज़्यादा योगदान है इस देश की अर्थव्यवस्था में, इट मीन्स वो देश अल्प विकसित है। अगर सेकेंडरी क्षेत्र का ज़्यादा है, ठीक है, मतलब वो बढ़ रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र से बढ़ के सेकेंडरी क्षेत्र में जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है, विकासशील बन रहे हैं। और जिस देश की अर्थव्यवस्था में टर्शरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान होता है वो कौन से देश कहलाते हैं, तो विकसित देश कहलाते हैं। अब देखिए, बिहार में G20 समूह की बैठक हुई, अब बिहार में हुआ तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही ना, कहाँ पे हुआ था आयोजन इसका, तो पटना के अशोक कन्वेंशन सेंटर में। कब हुआ था, तो 22 से 23 जून को। अब देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो साइकिल योजना चलाई गई थी वो सिर्फ बिहार के लिए एक उपलब्धि नहीं है, देखिए कहाँ कहाँ मिसाइल काम कर रही है ये अपना। तो जाम्बिया की सरकार जो है वहाँ की लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जाम्बिया ये अलग कंट्री ही हो गया, ठीक है, वहाँ की लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल की योजना को अपनाया है, ठीक है, ये आप ऐसे में भी इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हो। इसका परिणाम ये देखने को मिला ना जामिया में कि लड़कियों के अनुपस्थिति में 27% की कमी आई है, मतलब जो लड़कियां एब्सेंट करती थी ना स्कूल जाने में, क्योंकि अब उनके पास कोई साधन ही नहीं था जाने के लिए, ठीक है, तो क्या होता था ना कि उनकी जो प्रेजेंस रेट थी, ठीक है, वो बहुत कम था, ठीक है, तो मुख्यमंत्री
जो साइकिल योजना है उसको जाम्बिया गवर्नमेंट के द्वारा अपनाने के बाद परिणाम ये आया कि 27% की जो अनुपस्थिति थी उसमें कमी देखने को मिला, और जो उनको लेट होता था ना स्कूल आने में उसमें भी ड्यूरेशन में कमी देखने को मिले। और इसको देखते हुए जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने अफ्रीका के 6 कंट्रियों में इस साइकिल योजना को लागू किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बिहार में इजरायली तकनीक पर आधारित हाइड्रोपोनिक यूनिट, ठीक है, बिहार में ना जो हमारा चंडी प्रखंड है बिहार शरीफ में, ठीक है, वहाँ पे ना राज्य का इकलौता सेंट्रल ऑफ एक्सीलेशन फॉर वेजिटेबल सेंटर जो है वो स्थापित किया जा रहा है, मतलब बिना मिट्टी की जो खेती है यहाँ से की जाएगी, ठीक है, यहाँ पे। तो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है ये, तो चंडी प्रखंड बिहार शरीफ पे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और आप लोग मुझ कौन सा क्वेश्चन था, हाँ आप लोग जो है मुझे क्वेश्चन क्या करके बताओगे, आप लोग से क्वेश्चन मेरा ये, हाँ आप लोग मुझे ये बताओगे, आज आप लोग का होमवर्क है कि मेथनॉल से चलने वाली बस का अनावरण जो है वो कहाँ किया गया है। मेथनॉल से चलने वाली बस का नितिन गडकरी के द्वारा अनावरण किया गया था ना, तो कहाँ से किया गया है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम मंडे को, संडे को छुट्टी है, ठीक है, मंडे कल आप लोग वेट मत कीजिएगा, परसों जो है वापस से 10 बजे जो है करंट अफेयर्स की वीडियोस डाल दी जाएगी। कल आप लोग का यही वर्क है कि जो भी पढ़ाया गया है 7 दिनों का, 7 दिनों का कंप्लीट रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सभी को बाय, गुड नाइट, थैंक यू।